बीती 23 तारीख को मिशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने व्रत रखा था। अब सीमा हैदर ने इसे लेकर एक और ऐलान किया है। बता दें, सीमा हैदर ने कहा कि वह हर वर्ष 23 अगस्त को व्रत रखेगी और भगवान से प्रार्थना करेगी। सीमा हैदर का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। क्या कुछ बोल रही है सीमा हैदर, जरा वो सुन लीजिए। जय श्री राम। मैं सीमा मीना पत्नी सचिन मीना। आज सुबह मेरे वकील डॉक्टर एपी सिंह सर की मुझे कॉल आई। उन्होंने कहा कि देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने पहुंचे हैं। तो मैंने टीवी ऑन करी और उनका भाषण चल रहा था, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। मैंने ये फैसला लिया है, हर साल 23 अगस्त को मैं प्रतिज्ञा किया करूँगी और जो चंद्रयान की सफलता हुई है, मैं वर्तती रही थी। मेरे चंद्रमा भगवान और मेरे सारे देवी देवताओं ने मेरी प्रार्थना सुनी और इसलिए मैंने ये भी फैसला किया है कि हर साल 23 अगस्त को मैं व्रती रहा करूँगी। और जो वहाँ शिव शक्ति और तिरंगा स्थान किया गया है, उनको मान के मैं पूजा भी किया करूँगी। और उन्होंने जो महिलाओं की रक्षा और भागीदारी के बारे में कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बता दें, वीडियो में सीमा हैदर ने कहा कि उसके वकील ने उसे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने पहुंचे हैं। इसके बाद उसने टीवी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण देखा, जिससे वह बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि सभी देवी देवताओं ने मेरी प्रार्थना सुन ली, इसलिए मैं हर साल 23 अगस्त को व्रत रखूंगी। बता दें, सीमा हैदर ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के बारे में जो भी कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वीडियो के अंत में उसने जय श्री राम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। बताते चलें, सीमा हैदर ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए व्रत रखा था और कहा था कि चंद्रयान की लैंडिंग के बाद वह अपना व्रत तोड़ेगी। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद सीमा हैदर ने आतिशबाजी करते हुए रघुपुरा में जश्न मनाया था। वहीं दूसरी तरफ यह बात भी सामने आई है कि सीमा हैदर के भारत आने पर आधारित फिल्म कराची टू नोएडा के नाम को लेकर एसोसिएशन ने खारिज कर दिया है। हालांकि सीमा हैदर ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।